ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत। खबर संख्या एक, भारत में टेस्ट सीरीज जीतना एशेज से भी बड़ा। स्टीव स्मिथ बोले, इंडिया को घर में हराना मुश्किल। वार्नर ने कहा, भारतीय स्पिनर्स है चुनौती। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 9 जनवरी को नागपुर में है। टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने टीम का वीडियो जारी किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बताया कि यह सीरीज उनके लिए कितनी अहम है। स्टीव स्मिथ बोले कि भारत को घर में हराना इंग्लैंड में एशेज जीतने से भी ज्यादा बड़ा है। वहीं टीम के ओपनर डेविड वार्नर ने कहा, दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स के सामने खेलना चुनौतीपूर्ण होगा। यह सीरीज खास होगी स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कहा कि भारत में टेस्ट सीरीज खेलना हमारे लिए बहुत खास होगा। भारत की परिस्थितियां हमारे घर के मुकाबले बिल्कुल अलग होती है। यह सीरीज हमेशा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। भारतीय टीम भी मजबूत है, स्टार्क ने आगे कहा। एक तरफ आपके पास पूरी एशेज का इतिहास है, जहां आपने इंग्लैंड को उनके घर में हराया, और एक तरफ भारत के घर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां आप एक बार ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 19 साल से सीरीज जीत का इंतजार। भारत 2004 से घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2004 में 4 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 से हराया था। एक मैच ड्रॉ रहा था। इसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम भारत में लगातार क्लीन स्वीप होने लगी। यहां तक कि 2004 के बाद उन्हें भारत में एकमात्र जीत भी 2017 में मिली, लेकिन तब भी उन्हें 2-1 से सीरीज हार झेलनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ घर में 4 टेस्ट और 3 वनडे खेलने हैं। 9 फरवरी से नागपुर में पहला टेस्ट शुरू होगा, फिर 17 फरवरी को दिल्ली में दूसरा, 1 मार्च को धर्मशाला में तीसरा और 9 मार्च को अहमदाबाद में चौथा टेस्ट खेला जाएगा। खबर संख्या दो, गुजरात के मितुल व्यास ने वर्ल्ड वेटरन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कैंसर से ठीक होने के 6 महीने में ही टेबल टेनिस शुरू किया। गुजरात के टेबल टेनिस खिलाड़ी मितुल व्यास मानसिक रूप से काफी दृढ़ हैं। उनकी हालिया उपलब्धि यह साबित भी करती है। उन्होंने ओमान में वर्ल्ड वेटरन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की सांत्वना श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया और वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन कुछ साल पहले कोई नहीं कह सकता था कि मितुल ऐसा कुछ कारनामा कर सकेंगे। 6 साल पहले मितुल को कैंसर का पता चला था। डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी। लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मितुल की पत्नी से कह दिया था कि तुम्हारे पति सिर्फ 72 घंटे ही जीवित रहेंगे, उनका बायां हाथ भी ऊपर नहीं उठेगा। हालांकि मितुल ने सर्जरी के दौरान ही ऐसे कुछ संकेत दिए कि वे वापसी करना चाहते हैं, और ऐसा हुआ भी। मितुल बताते हैं, मेरे शरीर ने सकारात्मक रिएक्शन देना शुरू किया, जिससे डॉक्टर्स भी चौंक गए। सर्जरी के 6 महीने के अंदर ही मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कैंसर और कीमोथेरेपी से मेरा वजन 40 किलो तक कम हो गया था। मैं मूवमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए एक्सरसाइज के तौर पर सिर्फ टेबल टेनिस खेलता। इसके 3 साल बाद पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वर्ल्ड चैंपियन बनने के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की। विदेशी खिलाड़ियों को मात देकर सबसे तेज शॉट लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। विदेशी खिलाड़ी 55 किलोमीटर से आगे नहीं गए और मेरा पहला शॉट 74 किलोमीटर का था। मेरा मानना है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं हर दिन खुद से प्रतिस्पर्धा करता हूँ। सुबह 5 बजे से 9:30 बजे तक खेल के लिए समय देता हूँ। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो उसके बाद अपने नियमित काम पर फोकस करता हूँ। 3 साल में स्टेट और नेशनल लेवल पर 20 से ज्यादा मेडल जीत चुके 22 कैंसर पीड़ितों की मदद भी की मितुल ने। पिछले 3 साल में जिला और राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई मास्टर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 20 से अधिक पदक जीते हैं। ओमान में मितुल ने अलग अलग देशों के 8 खिलाड़ियों को हरा कर खिताब अपने नाम किया। मितुल के भाई निलय ही उनके कोच हैं। मितुल ने खुद कैंसर से जंग जीतकर 22 कैंसर मरीजों की मदद भी की है।
ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, इसलिए मितुल और उनके दोस्तों ने उनकी मदद की। खबर संख्या 3, भारत को आईसीसी से बाहर किया जाना चाहिए। एशिया कप को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 फरवरी को एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में तय हुआ कि एशिया कप कहां आयोजित किया जाएगा। इसका फैसला मार्च के पहले हफ्ते में लिया जाएगा। इस बैठक में काउंसिल के चेयरमैन और चश्तश्त के सचिव जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी भी शामिल हुए। दरअसल इस साल वनडे एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब भी चाहता है कि टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में ही हो। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद भी एशिया कप की मेजबानी विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए और अगर भारत इसमें भाग नहीं लेता है तो खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और भारत को आईसीसी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। जावेद मियादाद ने यूट्यूब चैनल पर कहा, मैं पहले से ही कह रहा हूं कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलनी नहीं आती है तो मत आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से नहीं छीनी जाना चाहिए, आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए। मियादाद ने कहा कि आईसीसी हर देश के लिए एक नियम ही अपनाए, कोई भी टीम कितनी भी बड़ी टीम हो पर अगर वह किसी टूर्नामेंट में जाने से मना करती है तो उसे धस्तष्ट से हटा देना चाहिए। अगर एक बार आईसीसी सख्त कदम उठाएगा तो वो फिर टूर्नामेंट में खेलने के लिए मना नहीं कर पाएंगे। टीम इंडिया पाकिस्तान में हारने से डर रही है। मियादाद ने कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर हारने से डरती है। भारतीय फैन अच्छे नहीं है, वह भारतीय टीम की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। टीम के हारने पर वह खिलाड़ियों के घरों तक में आग लगा देते हैं। हमारे समय में भी टीम इंडिया हार से डरती थी। जब वे हमसे हारते थे तब भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल होस्ट है, लेकिन चश्तश्त ने साफ कर दिया था कि भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकती है, इसलिए टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शीट किया जा सकता है। खबर संख्या 4, वर्ल्ड कप देखा तो खुद को वही महसूस किया। रविंद्र जडेजा बोले, 5 महीने बाद भारत की जर्सी पहनकर खुशी हुई, रणजी में कॉन्फिडेंस मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। टेस्ट मैच से पहले रविंद्र जडेजा के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने सर्जरी के बाद हुए रिहैब एक्सपीरियंस को शेयर किया। वर्ल्ड कप से पहले सर्जरी का फैसला मुश्किल था। रविंद्र जडेजा ने आखिरी बार अगस्त 2022 में एशिया कप के दौरान भारत के लिए क्रिकेट मैच खेला था। एशिया कप में ही उन्हें घुटने में चोट लगी थी, इसके बाद उन्होंने घुटने की सर्जरी करवाई। जडेजा ने कहा, 5 महीने क्रिकेट से दूर रहना बहुत मुश्किल था। आराम के दौरान आप चिढ़े लगते हो। चोट से मैं परेशान था और सर्जरी करवानी ही थी। मैंने सोचा कि वर्ल्ड कप से पहले सर्जरी करवाना चाहिए या बाद में। डॉक्टर की सलाह पर मैंने वर्ल्ड कप से पहले सर्जरी करवाई, क्योंकि सर्जरी के बिना भी वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल था। वर्ल्ड कप देखा तो अपने आपको वही देख रहा था। जडेजा ने कहा, रिकवरी का समय बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान लगातार यही सवाल आता है कि आप कब फिट होंगे। घर से जब T20 वर्ल्ड कप देखा तो मुझे लगा कि मैं भी वही हूँ। ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। आप अच्छे से ट्रेनिंग और रिहैब करते हैं। जडेजा बोले, फिजियो और ट्रेनर्स ने रिस्ट में मुझ पर बहुत मेहनत की। संडे को ऑफ रहने पर भी फिजियो मेरे लिए आते थे और मदद करते थे। मैं 2-3 हफ्ते हरिश्च बेंगलुरु में रहता था और फिर माइंड फ्रेश करने के लिए घर जाता था। ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में ही बीतता था, जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। वह बोले, मैं भी ट्रेनर्स बहुत मोटिवेट करते थे। जब मैं कहता था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तब वो बोलते थे कि आपको मेहनत देश के लिए करना है न कि खुद के लिए। इससे मनोबल बढ़ा। इंजरी के बाद के 2 महीने बहुत मुश्किल थे।
जडेजा ने बताया, सर्जरी के बाद के 2 महीने मेरे लिए बहुत कठिन थे। इस दौरान आप बाहर भी नहीं जा सकते और चल भी नहीं सकते। इस दौरान परिवार और दोस्त मेरे साथ थे। इंजरी से पूरी तरह रिकवर होने के बाद 34 साल के जडेजा ने 24 जनवरी को सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेला। जडेजा ने बताया, चोट से रिकवरी के बाद रणजी मैच के पहले दिन मुझे अजीब सा लगा। मैं 5 महीने बाद धूप में क्रिकेट खेलने आया था। इससे पहले पूरे समय मैं इंडोर ट्रेनिंग ही कर रहा था। रणजी में चेन्नई के वेदर में मुझे मुश्किलें हुई, लेकिन हर दिन मुझे बेहतर महसूस हुआ। 5वें दिन मुझे लगा कि मैं मैच खेलने के लिए फिट हूँ। आपको बड़ा टूर्नामेंट खेलने से पहले कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, और वो रणजी में मुझे मिल गया। तमिलनाडु के खिलाफ मैच में जडेजा ने 41.1 ओवर बॉलिंग की। पहली पारी में तो उन्हें एक ही विकेट मिला, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 7 विकेट झटक लिए। उन्होंने बैटिंग करते हुए 23 और 15 रन की पारियां खेलकर खुद को मैच के लिए तैयार साबित किया। खबर संख्या 5, कश्मीर पर ट्वीट के बाद पाक क्रिकेटर रिजवान हुए ट्रोल। मुंबई, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को नेटिजन्स ने जमकर ट्रोल किया। दरअसल रिजवान ने पाकिस्तान में कश्मीर एकता दिवस के दिन कश्मीरियों को लेकर ट्वीट किया था, जिस पर रिजवान ट्रोल हो गए। रिजवान ने लिखा, मेरा दिल, दुआएं और दर्द कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। अल्लाह पाक आप सब के लिए बेइंतहा आसानी करे, आमीन। इस पर भारतीयों ने लिखा, इतनी फिक्र है तो आतंकी भेजना बंद करो। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है। इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। इसका मकसद खुद को कश्मीरियों के समर्थन में खड़े दिखाना है। पहली बार 1990 में पाकिस्तान में जमात इस्लामी पार्टी के काजी हुसैन अहमद ने कश्मीर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे स्ट्राइक के लिए अपील की। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।